लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं है। लॉकडाउन के दौरान बेवजह घूमने वालों को अब पुलिस गिरफ्तार करेगी। जी हाँ, SP सचिन अतुलकर ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए एक अलग से पुलिस की एक टीम का गठन किया गया है, जिसे गिरफ्तारी पुलिस पार्टी का नाम दिया गया है। यह पुलिस पार्टी पुलिस वैन के साथ शहर की सड़कों पर घूमेगी और बेवजह घूमने वालों को न केवल उनकी जाँच करेगी, बल्कि वाजिब कारण के बगैर घूमते पाए जाने पर उन्हें तत्काल गिरफ्तार भी करेगी। मंगलवार की शाम को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह, DSP ट्रैफिक हरिनारायण बाथम सहित ट्रैफिक अमले की मौजूदगी में 3 बत्ती चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाकर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के ऊपर कार्रवाई की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर उज्जैन। उज्जैन में धारा 144 के इम्प्लीमेंट करने के लिए जो लॉकडाउन किया गया है, उसके अंतर्गत समस्त प्रकार के दोपहिया और चार पहिया वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। किंतु इसमें ऐसी आवश्यक सेवाएं जो जरूरी हैं या जो शासकीय विभाग जिनको इसमें एग्जम्पशन किया गया है, अर्थात इनमें अनुमति दी गई, उसको छोड़कर सभी दोपहिया वाहन और चार पहिया वाहन प्रतिबंधित हैं। इसी को लेकर उज्जैन में इसका पालन कराने के लिए 2 पार्टियां भी अतिरिक्त भी बनाई गई हैं। कई थाना मोबाइल और फिक्स पॉइंट लगाए गए हैं। साथ में 2 पार्टियां जो गिरफ्तारी पार्टी और वाहन जब्ती पार्टियों को भी बनाया गया है, जो जगह जगह पूरे क्षेत्र में घूम करके इम्प्लीमेंटेशन एनफोर्समेंट कराया जा रहा है। इस दौरान आज कुछ ऐसे लोग जो इसका उल्लंघन कर रहे थे, उनके कुछ वाहनों को जब्त किया गया है। साथ में ऐसे कई लोग जो बिना कारण कहीं घूमते मिले, उनको गिरफ्तार भी किया गया है। तो जो भी वाहन है उनको मतलब यहाँ पर मौके से सीज किया गया है और सीज करके उसकी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई भी कराई जा रही है।